आज शिव विलास से होगी आखिरी विदाई। रतन के इस मुश्किल फैसले को आसान बनाने के लिए राम कपूर ने किए एक एक करके सभी दूल्हों से कुछ कड़े सवाल। अनुपम, ये सुनने में आया है बाकी सारे दूल्हे ज्यादा करके तुम्हें पसंद नहीं करते, क्या ये सच है? और अगर सच है तो ऐसा क्यों? बिल्कुल सच है। इसका रीजन ये है, अगर मैंने कुछ पाया अपनी जिंदगी में तो मुझे विरासत में नहीं मिला है, मैंने बहुत मेहनत की है, उससे थोड़ा जेलस होते हैं। फिर यहाँ पे ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग में कुछ पॉलिटिक्स और कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं वहाँ वो करने के लिए नहीं आया। वहाँ पे उनको दिक्कत होती है, इसको चॉपर डेट क्यों मिली, इसको ये क्यों मिला, इसको ये क्यों हो रहा है इसके साथ। अब अगर वो मेरा प्लस पॉइंट है, कुछ चीज़ें रतन को अच्छी लग रही हैं मेरे अंदर, मेरी तो गलती नहीं है उसमें। सब लोग ये भी सोचते हैं कि तुमने आई लव यू रतन को सिर्फ इसलिए कहा कि तुम एलिमिनेशन से बच सको, इसके बारे में क्या कहना चाहो? अगर मैं एलिमिनेशन से बचने के लिए आई लव यू बोलता तो जब रिजल्ट से पहले मैं बोल देता। मुझे ये था कि निकल जाऊं, टेंशन नहीं है, पर एटलीस्ट दिल में बोझ लेके नहीं जाऊंगा, बोल के जाता हूँ। आज जटे हम लोग कहने जा रहे हैं बड़े प्यार से खुले आम, खास करते हैं डांस परफॉर्मेंस के बाद, रतन आई लव यू। अब कर दो, इन्हें टेंशन नहीं है, बोल दिया जो बोलना था। अभी मनु ने वो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए आई लव यू बोला, उन्होंने सबके सामने बोला ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बोला डर के। काफी लोगों ने ये कहा है कि तुम एरोगेंट हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एरोगेंट हो? जिन लोगों से मेरी अच्छी दोस्ती नहीं होती उन्हें मैं अवॉइड करता हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एरोगेंट हूँ, मैं सबकी बात सुनता हूँ। उसका दिमाग पता नहीं क्या है, पागलपन हो गया उसके दिमाग में, सुनते वो किसी के है नहीं, मैं करते रहते हैं, ईगो दबा के भरा हुआ है उनके अंदर, उनको लगता है दुनिया में हर आदमी बेवकूफ है, he is the only one who is educated and इसको तो नॉलेज है। तुम्हारे हिसाब से अभिनव तुमसे ज्यादा अच्छा दूल्हा है, क्या तुम आज भी इसको मानते हो? रतन और अभिनव को टाइम मिला ज्यादा, उस हिसाब से मैं कह रहा था कि उनकी केमिस्ट्री काफी लग रही थी मुझे, और ड्यूरिंग द सेशन मैंने ये बोला कि हाँ अभिनव मुझसे ज्यादा बेटर है, मैंने ये बात की और मैं आज भी बोलता हूँ। अगर तुम फाइनल तक पहुँचते हो जी और तुम और अभिनव साथ में खड़े हो, क्या तुम अभी भी रतन को बोलोगे कि नहीं शादी अभिनव से करो? तब क्यों बोलूंगा, इसका मतलब रतन ने मेरे अंदर कोई क्वालिटी देखी कि हाँ तभी मुझे वहां पर लाके खड़ा किया। मुझे अभी भी लगता है कि शायद तुम्हारी आंसर्स में डिप्लोमेसी है। रोहित मित्तल 120% डिप्लोमेटिक पर्सन है, तो वो अपनी बकवास जो है उसको इतने अच्छे तरीके से पेश करते हैं वो, और बाकी जो लोग उनको पता है कि अगर ये बंदे चले जाते हैं तो फिर वो ऊपर चले जाएंगे। अब रतन को बुलाते हैं और कुछ सवाल रतन के सामने करते हैं। बिल्कुल रतन जी आइए। रतन, तुम्हारे करीब जितने भी लोग हैं उन सबका मानना है कि दीपक के पास कोई जॉब नहीं है, सब मानते हैं कि ये ड्रॉबैक है, क्या तुम भी ऐसा सोचती हो? जो सिक्योरिटी मुझे फाइनेंशियली चाहिए वो अगर ऑनेस्टली कहूं तो हाँ, ये सच्चे हैं इसलिए मुझे ये मालूम है कि ये मुझ पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते होंगे। वो आगे बढ़ने का सपना देखता है, वो जिंदगी में आगे कुछ करना चाहता है, तो वो जरूर आगे बढ़ेगा, बस उसके पास थोड़ी सी समय की हेर फेर है। जो भी वक्त तुम दोनों ने बिताया उसमें कोई एक खास लम्हा जो ज्यादा यादगार रहे? अविनाश सर जिस दिन फोटो शूट के लिए आए थे ना यहाँ पे, स्लाइट स्माइल मोर, वेरी नाइस, क्या बात है। उसके बाद जब मैं रूम पे गया था तो बस मैं ये चिल्ला रहा था कि मेरा फोटो सबसे बेस्ट है। खास लम्हा जो मेरे लिए था वो तो जब हमारी बेस्ट पिक्चर साथ में आई थी, तो उस टाइम वाकई में अगर रतन होती तो शायद मैं उसी दिन आई लव यू बोल देता। पूरे सफर में वो कौन सा एक पल है
जिसके बाद तुम रतन को पसंद करने लगे। जब इन्होंने मुझे खुद डांस करवाया। इन्होंने खुद से मेरे को गाइड किया। रतन से मिलने से पहले और अब रतन को जानने के बाद दोनों में कितना फर्क है? जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट देना, बहुत सारी चीजें जो है। और शायद उससे पहले तक मैं अट्रैक्टेड था, अटैच था, अब वो प्यार तो नहीं कह सकता क्योंकि प्यार दो जगह से होता है। प्यार देने के बाद प्यार मिलता है। यहाँ पे हर कोई आके आई लव यू बोलता हो रहा है, अब जो नहीं लगता कहीं से मुझे, तो मैं उसी पैरामीटर में अपने इमोशंस को नहीं रखना चाहता। एक औरत को हमेशा पता लगता है, कोई मर्द जब उसे बोलता है आई लव यू, सीरियसली बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, औरत जानती है। आई हैव डन इट यस्टरडे। तो एक मिनट, अब तुम क्या कह रहे हो? तुमने कल बोला आई लव यू लेकिन अब बोल रहे हो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। आई लव यू दूसरे शब्दों में बोला। पीछे जाके बहुत मारूंगा तेरे को, तू मेरे से पंगे मत ले, मैं पकड़ लूंगा तेरे को। यू डू नॉट हैव द राइट टू से आई लव यू ऑन द डेट एंड देन हियर से स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। आई टोल्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज। इन एनी लैंग्वेज इट मींस द सेम। तू पोलिश में भी बोल दे, इट मींस द सेम थिंग। इस वक्त 3 हफ्ते बाद रतन से प्यार करते हो? यस आई डू। मोना ने गाना गाया था प्रोफेसर बदनाम हुआ। तुम्हें लगता है कि जब तुम वापस जाओगे तुम्हारे स्टूडेंट्स तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? नहीं, मजाक नहीं उड़ाएंगे क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग मेरी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। टांग खींचेंगे? हाँ, टांग खींचेंगे तो वो अलाउड है, वो वैसे भी कभी कभी खींच लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। रतन क्या कहना है इसके बारे में? एंजॉय करने वाले हैं वो लोग सब मिलकर। और सर क्या कर रहे थे वहाँ पे? अभिमन्यु ने प्रॉमिस किया था कि वो सिगरेट छोड़ दे, क्या तुम्हें लगता है कि वो सिगरेट छोड़ दे? नहीं। क्या कहना है अभिमन्यु? धीरे धीरे कोशिश करूंगा पर अभी थोड़ा मुश्किल है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नाउ लेट्स हैव अ लिटिल फन। आर यू रेडी फॉर सम रैपिड फायर? वैसे मैं करण जोहर तो नहीं हूं लेकिन कोशिश करूंगा। रतन ज्यादा अच्छी किस कैसे लगती है, इंडियन क्लोज में या वेस्टर्न क्लोज? इंडियन। साड़ी में। डेनिम्स में ज्यादा अच्छी लगती है। साड़ी में। रतन की कौन सी क्वालिटी है जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती है? सिंपलिसिटी। ज्यादा अच्छा क्या लगता है, रतन की स्माइल या रतन की आंखें? स्माइल। खत्म तो करने दे। ज्यादा अच्छा क्या लगता है, रतन की समझदारी या उसका बचपना? बचपना। बचपना। वो एक क्या चीज है जो रतन में तुम्हें अच्छी नहीं लगती? शायद मुझे वो चीज है कि तुम से क्विक डिसीजन नहीं ले पाती, जल्दी से भरोसा कर लेती लोगों के ऊपर, गुस्सा बहुत जल्दी आता है इनको। सच में कम सोना, वो मैं देखता हूँ उनको बहुत ज्यादा मेहनत करती है। टाइम भी दिया करो सोने को, खाना खाने को, जैसे घुमा दिया ना, कुछ और सुनना है मुझे। ज्यादा डिप्लोमेटिक आंसर मैंने शायद अपनी जिंदगी में नहीं सुना है। अनुपम, इस सफर के दौरान तुम्हें सबसे ज्यादा जलन कब महसूस हुई? ऊट के टाइम पे जब शोएब के साथ ही बैठी हुई थी। जलन जब अभिमन्यु वो जीत गया था तीर वाला। हाँ, क्योंकि मैं जीतना चाहता था इसलिए। अब कुछ सवाल रतन के लिए। कोई ऐसी खास बात जो दीपक ने तुमसे कही इस सफर के दौरान? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम लगता है। मैं ऐसे चुप चुप नहीं रहता हूँ, मैं जल्दी भूल जाऊंगा। ज्यादा अच्छा क्या लगता है, जनरेटेड डांस या गाना? गाना। फूल या फल? ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। फल। आपको हैम्पर मिलता है। ज्यादा क्या अच्छा लगता है, दीपक
की खामोशी या दीपक का बोलना? खामोशी। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु, अब हम एलिमिनेशन एरिया में मिलेंगे और बाकी सबको बता दो। ऑलराइट सर। एलिमिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थोड़ी सी नर्वसनेस है, डर भी है कि इतना ऊपर आने के बाद अगर अब एलिमिनेशन होता है तो अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है।